उमा कुमारी, आप सभी को मेरा सत सत नमन। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ उस विषय का नाम है सीता से निर्भया तक, प्रिवेंटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमन। हमारे भारत देश में स्त्री रूप को पूजते हैं, उन्हें देवी का दर्जा देते हैं, घर की लक्ष्मी कहते हैं, नदियों और धरती को भी माँ कहकर पुकारते हैं। लेकिन प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे देश में स्त्रियाँ अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। सीता माँ जब राम जी के साथ वनवास गई तो वहाँ रावण ने उनका अपहरण कर लिया। सीता माँ जब रावण के चंगुल से छूटकर राम जी से मिली तो उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा ली। फिर भी लोगों की बातों में आकर उन्होंने सीता माँ को अस्वीकार कर दिया। ऐसे समय में उन्हें अकेले ही अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। प्राचीन काल से लेकर आज तक क्यों सिर्फ स्त्रियों को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उनसे ही सवाल किए जाते हैं। निर्भया जो एक बहादुर लड़की थी, कुछ बनना चाहती थी, जिसके कुछ सपने थे, उसके सम्मान को कुछ बहसियों ने कुचल कर रख दिया। आज हमारे देश में एक नवजात बालिका से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाएं किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार होती हैं। घर में हमेशा लड़कियों को संस्कार दिए जाते हैं, उन्हें कैसे व्यवहार करना है, रहना है सिखाते हैं, लेकिन लड़कों में हम ये संस्कार डालना भूल जाते हैं। लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो हमें हमेशा उनकी सुरक्षा की चिंता लगी रहती है, पर यह चिंता लड़कों के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि लड़कियों के लिए। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं वे बाहर किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ रहे हैं। यदि माता पिता अपने संतानों में अंतर किए बिना उनमें समान शिक्षा, समान रूप से संस्कार डालें और उचित वातावरण दें तो उनमें महिलाओं के प्रति संवेदना उत्पन्न होगी, व्यक्ति और समाज की मानसिकता में परिवर्तन होगा। लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आएंगे, जिससे जुर्म कुछ हद तक कम हो जाएगा। हो सकता है कि माता पिता के दिए यह संस्कार जीवन भर साथ चले। कुछ हुआ नहीं कि लोग लड़कियों का घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, उनके ऊपर कई प्रकार की बंदिशें लगा दी जाती हैं। क्या लड़कियों को इस प्रकार बंधन में रखने से जुर्म बंद हो जाएंगे? नहीं, बल्कि हमारे देश के कानून को सख्त बनाने की आवश्यकता है। कई बार कोर्ट में केस लड़ते लड़ते सालों बीत जाते हैं, जिससे लोगों में कानून के प्रति अविश्वास की भावना आ जाती है। इसलिए केस का जल्दी से जल्दी सही फैसला हो, जिससे जुर्म करने वालों में कानून के प्रति भय व्याप्त हो और वे जुर्म करने के बारे में सोचने से भी डरें। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। शिक्षा के जरिए स्त्रियों को कानूनों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना होगा, अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि वह इन परिस्थितियों का सामना कर सके। साथ ही समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए गुनाह को रोकने का हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, और उमा का भी यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। झारखंड से आती हैं उमा कुमारी, छात्रा हैं बीएड की। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, आपके विचार हमने सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और